लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा का जो स्थिति बना हुआ है उसको थोड़ा सा सुधार, जो राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं हमारे नियोजित शिक्षक, उनको राजकर्मी का दर्जा हासिल में दिलवाएंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। और भाजपा उसके लिए आंदोलन कर रही थी, तो आनंद फानंद में इस दबाव के बाद जो है 13 जुलाई के जो आंदोलन के बाद आपने बीपीएससी का बहाली को कंटिन्यू किया और तुरंत आपने यहाँ शिक्षकों की बहाली किया। ये लोग मांग करने वाले हैं, ये मीडिया में मांग करने वाले लोग हैं, ये टीवी पर मांग करने वाले लोग हैं, इनको रोड पर उतरने में दिक्कत है। तो मैंने बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतर के अपनी मांग को कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रवजी लाइव पे डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं भाजपा एमएलसी जीवन कुमार। जीवन कुमार जी का एक अपना प्रभाव है और शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक आंदोलन करते रहते हैं। बिहार में शिक्षकों का मुद्दा छाया हुआ है, के पाठक की विदाई हो गई है, शिक्षा मंत्री मुस्कुरा रहे हैं और मन की बातों को आगे निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि शिक्षकों का दर्द जीवन कुमार जी से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर बिहार के शिक्षा के साथ मौजूदा सरकार इतना बड़ा खेल क्यों कर रही है, क्यों कर रही है। विभाग में जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मामला, खासकर जदयू के लोग है इसको पॉलिटिकल दृष्टि से देखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा का जो स्थिति बना हुआ है उसको थोड़ा सा सुधार हो, और इसके कारण आपने देखा लंबे समय से मांग चल जाए थी शिक्षकों का, नियोजित हमारे जो भी शिक्षक है कि हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। अरुण बाबू ने कैडर को डाइन करने का काम किया, उस कैडर को समाप्त करने के बाद एक लंबी आंदोलन चली पूरे बिहार में और उस आंदोलन को हम लोगों ने एक मतलब मूर्त रूप देने का काम किया। हम जब चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले हमने संकल्प लिया था, जहां भी जा रहे थे सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि सर हम लोग प्राइवेट शिक्षक कहलाते हैं बाहर में, ये हम लोग को एक गलत दृष्टिकोण से लोग देखता है, सरकारी शिक्षक का जो दृष्टिकोण देखने का है और हमारा जो देखने का तरीका है, लोगों का नजरिया है, दोनों में काफी अंतर है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद जाइए और हमारी बातों को सदन में रखिए और हमको राजकर्मी का दर्जा दिलवाइए। जी, और भी अभ्यर्थियों का लंबा मांग था हम लोगों से, चुनाव वो तो चुनाव जीतने के बाद था, तो हम लोग सदन में आने के बाद इस बात को मजबूती से रखे, सरकार के पास रखे, अपने अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखे, पार्टी ने फैसला लिया कि बिहार के तमाम शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं हमारे नियोजित शिक्षक, उनको राजकर्मी का दर्जा हासिल दिलवाएंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। आप याद कीजिए 13 जुलाई की वो घटना, 13 जुलाई को पूरे बिहार के हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उस मुद्दे पर विधानसभा घेराव की तैयारी किए और विधानसभा घेरने के क्रम में सरकार को फैसला लेना पड़ा। हम जानते हैं उस दिन कि हमारे कई साथियों ने, आपको पता होगा कि हमारे कई साथी लाठी खाए, कई लोगों का खून बहा वहां पर, हमारे कई सांसद, कई विधायक और हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कई लोगों का खून बहा वहां पर, उसके लिए हम लोगों ने काफी अपना खून बहाया है। लेकिन मैं जनता के लिए काम कर रहा था, हमारे पूरे पार्टी के लोग जनता के लिए काम कर रहे थे और शिक्षकों के लिए काम कर रहे थे, तो आपने देखा कि उसका रिजल्ट की सरकार को दबाव में आना पड़ा उसमें, और सरकार ये कही कि हम तुरंत कमेटी बनाएंगे और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा हम देने का काम करेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारा कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। जी, हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि कम से कम आपने आनंद फानंद में हमारे दबाव के बाद 13 जुलाई के आंदोलन के बाद जो अभ्यर्थियों का मांग लंबे समय से चला रहा था कि रिक्तियां तो भरो और भाजपा उसके लिए आंदोलन कर रही थी, तो आनंद फानंद में इस दबाव के बाद जो है 13 जुलाई के जो आंदोलन के बाद आपने बीपीएससी का बहाली को कंटिन्यू किया और तुरंत आपने यहाँ शिक्षकों की बहाली किया। इसके पहले लगातार हम आपसे मांग कर रहे थे, लेकिन आपको लगा कि ये लोग मांग करने वाले हैं, ये मीडिया में मांग करने वाले लोग हैं, ये टीवी पर मांग करने वाले लोग हैं, इनको रोड पर उतरने में दिक्कत है। तो मैंने बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतर के अपनी मांग को कर सकती है और पूरे बिहार में आंदोलन करने के लिए तैयार है, आप जान लीजिए। जी, और जब जदयू और तेजस्वी जी को लग गया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ के एक एक कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से, ताकत से जो है आंदोलन करने के लिए तैयार है, तो पूरा बिहार का माहौल बिगड़ जाएगा। लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई जो राजकर्मी का दर्जे का प्रस्ताव है इसको मान लिया जाए, और अभी आपने देखा कि पहले कैबिनेट से पास हुआ। ये एक बड़ी खबर है, 4 लाख शिक्षकों का कल्याण हो गया चार, और हमारे अंदर तो बेहद खुशी है कि जिस चीज को, जिस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े थे, जो चुनाव में हमारा सिंगल एक बड़ा मैनिफेस्टो हमारा था कि हम जितने भी नियोजित शिक्षक है वो काला टीका जो उन पर लगा है वो राजकर्मी का दर्जा उनको दिलवाएंगे। आप एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई है जी, और लोगों के मन में भ्रम था कि नियोजित वाले शिक्षक जो है मुखिया जी वाले शिक्षक है, इनका इनका पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, लेकिन वो भ्रम को दूर करने का काम नियोजित शिक्षकों ने किया है।
बीपीएससी के बहाली में चाहे लो कट ऑफ मार्क्स हो चाहे हाई कट ऑफ मार्क्स हो, सबसे ज्यादा बहाली किसका हुआ है? वही नियोजित शिक्षकों का बहाली हुआ है। पिछले बार 48,000 से ज्यादा शिक्षकों का बहाली हुआ और इस बार भी अच्छे खासे 80% से अधिक शिक्षकों का जो है बीपीएससी में बहाली हो गया। इसका मतलब है कि वो अंदर से क्वालिफाइड है, उन पर संशय और शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। हम इस बात का वकालत करते हैं। और अभी जो के पाठक जो उनकी विदाई हुई है, ये शिक्षकों को प्रताड़ित करने के क्रम में जो हमको लगता है उनको ये लग गया कि बिहार के लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, ये वो पूरा बिहार का माहौल खराब करने में पड़े थे। बताइए कि टाइमिंग का जो है 9 से 5 का टाइमिंग है पूरे देश में जो टाइमिंग का शेड्यूल पढ़ाने का, ऐसा तो नहीं है कि बिहार में ही लोग पढ़ाने का शेड्यूल है और तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है। और नेशनल रूल है कि कितना टाइमिंग बच्चों को देना है, कितना टाइमिंग स्कूल में देना है, उस रूल को एक्सीड करके आप यदि काम कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं प्रताड़ना भी काम कर रहे थे जी। तो इसके चलते हमको लगता है कि उनका भी जो है अभी आपने देखा इस तरह का माहौल जो है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षकों के सुधार के लिए और शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए लगी रहती है और अपना कार्यक्रम करती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी अभी मैं कुछ नहीं सोचता कि भाई राजद के लोग जो है कह रहे थे कि हमने 2 लाख बहाली करवा दी, नीतीश कुमार 25,000 नियुक्ति पद बांटने वाले हैं। अरे भाई किसका? जब तेजस्वी जी चुनाव के पहले वादा किए थे कि भाई हम जो है चुनाव जीतने के बाद सारे नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। कहाँ चले गए चुनाव के बाद? मैंने उनको याद दिलाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको याद दिलाया और विपक्ष में रहने के कारण जो है हम लोग का जिम्मेदारी भी था कि जनता के मुद्दों को उनको याद दिलाना है। मैंने उनको याद दिलाया, हमारी पार्टी ने उनको याद दिलाया कि आप याद कीजिए कि आप चुनाव में क्या वादा किए थे और लंबे समय से इनकी जो मांग है वो जायज मांग है। और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हमारे जो है शहीद हो गए इस क्रम में, विजय सिंह जहानाबाद जो है याद होगा जी जी, उनकी जान चली गई। इन लोगों ने जान ले लिया उनका, हमारे एक सिपाही का, हमारे एक कार्यकर्ता का, देवदूत कार्यकर्ता का जान ले लिया इन लोगों ने। और ये इनको लगा कि अब तो हमने एक आदमी का जान ले लिया है, हमारे 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 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हो गए। तो इनको लगा कि अब ये लोग मानेंगे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जो है राजकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे और अभ्यर्थियों से जो लंबे समय से हमारी मांग चली थी वो भी मांग इनको पूरा करना पड़ेगा। और आनंद इन लोगों ने बहाली का जो है पूरा कार्यक्रम पूरा किया। तो हम लोग लगातार जनता के मुद्दे पर लड़ते रहते हैं, शिक्षकों का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, हर जगह लड़ते रहते हैं। और भ्रष्टाचार का तो अति कर देंगे उन्हें, जब से नीतीश गठबंधन जो है नीतीश वो आरजेडी से मिला तब तो लगा कि हाँ महा जंगल राज का शुरुआत ही कर देंगे उन्होंने। अब पुलिस का जो कैंटीन है, पुलिस का जो पूरा हाउस है, पुलिस का जो मतलब कि थाना है वो जलाने के लिए मसाले के चल देते हैं लोग। इनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये 95 का बिहार नहीं है, ये नया बिहार है। इसको बताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग जान जाइए, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आपने देखा बनिया तालाब में, वहां पर गेट के सामने हत्या हो गया। तो लगातार इस तरह की घटना हो रही है, गेट के थाना के गेट के सामने जब प्रशासन के लोग वहीं पर हैं और वहीं पर अपराधी आगे काउंटर वहां पर दन 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 राइफल से वहां पर शूट कर रहे हैं लोग को, तो अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है इस बात से समझ सकते हैं। तो जब जब नीतीश कुमार जी राजद से गठबंधन करते हैं अब उनको तब तब जो है महाजंगल राज की ओर बिहार बढ़ जाता है। और अभी आप उसका इलाज देख रहे हैं, अभी सवाल में देखा आपने दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो लगातार इस तरह का जो है इस तरह घटना जो है देखने को मिल रहा है, इससे बड़ा हम लोग अंदर से छू भी रहते हैं। सरकारी इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए और सरकार से एक मांग भी करते हैं कि कम से कम शांति का वातावरण बनाइए। नीतीश जी आप जो है आपको रात में नींद नहीं आती होगी क्योंकि जब से आपने राज्य से गठबंधन किया है तब से आपको जो है इस दिमाग में बात चल रहा होगा कि लोकसभा तक तो मतलब चुप है लालू जी, और लोकसभा के बाद क्या होगा? लोकसभा के बाद 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बाद आपकी हस क्या होगी, पार्टी का हस क्या होगी, ये आप जानिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार शांति व्यवस्था कायम करे और एक बार फिर से हम सरकार को निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग को जो आपने माना है, राजकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव जो माना है, जो आप नहीं मान रहे थे चलिए हमारे आंदोलन का दबाव नहीं माने लेकिन माने तो सही, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये है जीवन कुमार जी और ये गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधान पार्षद हैं। शिक्षकों के मुद्दे पे लगातार संघर्ष करते हैं और इन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान ये घोषणा की थी कि शिक्षकों के मुद्दों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करते हैं। इनका मानना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को भाजपा और जदयू की जब सरकार थी पटरी पर लाने का काम किया, उसी कड़ी में अब शिक्षकों की बहाली भी शुरू हुई है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को सबसे पहले बड़े जन आंदोलन के रूप में भाजपा के इस एजेंसी ने उठाया और उसका परिणाम था कि शिक्षक
नियमावली बनी 2023 में और विशेष शिक्षक जो उन्हें दर्जा मिलने वाला है उस पर कार्रवाई हुई। जीवन कुमार ये भी मानते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है वो हर एक मुद्दे पे फेल है, पर कहीं ना कहीं भाजपा की इस मांग को, भाजपा के इस मॉडल को नीतीश कुमार ने माना है, तो कहीं ना कहीं 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए आशा की एक बड़ी किरण जगी है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।